यूट्यूब के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे दो बेहतरीन शेयर जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। कभी भी ऑल टाइम हाई मार्केट में हमें इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए। अगर कोई भी करेक्शन आता है, कोई बड़ी गिरावट आ जाए यहाँ पर, जैसे 1000 पॉइंट का 2000 पॉइंट का, तो हम उस करेक्शन पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। कभी मार्केट इस तरह से ऑल टाइम हाई पे है तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब मार्केट में गिरावट होगा तो वहाँ प्राइस जो मिलेगा वो काफ़ी डिस्काउंटेड मिलेगा। तो मार्केट में फॉल से हमें यही फायदा होता है कि हमें हर शेयर एक डिस्काउंट प्राइस पे मिलता है। जनरल लाइफ में अगर कोई कहे कि आपको 10 रुपीज का चीज जो है वो 1 रुपया में मिल सकता है, तो ये कभी संभव नहीं है। लेकिन स्टॉक मार्केट में उसका उल्टा होता है, जिसका दाम 10 रुपया होना चाहिए वो आपको 1 रुपीज में मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? जब स्टॉक मार्केट में कोई गिरावट आती है तो वहाँ पर हर चीज डिस्काउंटेड मिलता है। 10 रुपये का चीज 8 रुपये में आप ले सकते हैं। तो बस गिरावट का वेट करना है। अभी जो भी शेयर आपको बताते हैं वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए, जैसे वो डिस्काउंट प्राइस पे मिलता है तो उस समय आपको इन्वेस्ट करना है। साथ ही साथ बता दें, कभी भी लोन लेकर, उधार लेकर और कर्ज लेकर के इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, जो कि आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत उत्पन्न कर सकता है। तो इस वीडियो का जो हमारा पहला स्टॉक है वो है जेके सीमेंट। देखिये, सीमेंट सेक्टर में होता है, थोड़ा सा साइक्लिक होता है, मतलब एक समय ये पूरा सेक्टर काफी परफॉर्म करेगा और थोड़ा बहुत फिर अंडर परफॉर्म करेगा। तो जिस समय अंडर परफॉर्म करेगा तो ये स्टॉक आपको डिस्काउंट प्राइस पे मिलेगा। जेके सीमेंट काफी बेहतरीन स्टॉक है और एक मल्टी बैगर रिटर्न दे चुका स्टॉक है, लेकिन अभी भी इस स्टॉक में इतना पोटेंशियल है कि आगे भी आपको मल्टी बैगर रिटर्न देने की क्षमता रखता है। करंट मार्केट कैप की बात करें 27,000 करोड़ का है। अगर बात करें डिविडेंड यील्ड का, 0.42% का डिविडेंड यील्ड है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20%, रिटर्न ऑन इक्विटी 21%। तो ये तो दोनों पैरामीटर्स पे काफी बेहतरीन है। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें 57.6% है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। साथ ही साथ बात करें यहाँ पर डेट इक्विटी 0.97 है, तो डेट इक्विटी भी कम है, मतलब इक्विटी से डेट कम है। अब वहीं टोटल डेट की बात करें 3,626 करोड़ का है, जबकि यहाँ पर रिजर्व भी 3,600 का है। लगभग कंपनी आराम से अपने रिजर्व से डेट पे कर सकती है। साथ साथ कंपनी का नेट एनुअल प्रॉफिट भी काफी बेहतरीन है, 849 करोड़ का। और वही बात करें अगर प्रॉफिट का, तो कंपनी का प्रॉफिट देखिए बीच बीच में डिक्रीज भी हुआ है, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म में काफी बेहतरीन रूप से यहां पर प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। तो यहां पर कंपनी का जो टॉप लाइन ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ, वो भी इंक्रीज हुआ है। 2010 में मात्र था 1800 करोड़ के आसपास, अभी बढ़कर के हो चुका है 7,000 करोड़ के आसपास का। और बॉटम लाइन ग्रोथ भी 2010 में मात्र था 225 करोड़, यहां से बढ़कर के हो चुका 849 करोड़ का। तो हर पैरामीटर्स पे कंपनी काफी बेहतरीन कर रही है। बैलेंस शीट देखेंगे तो शेयर कैपिटल मात्र 77 करोड़ का है, रिजर्व कंपनी के पास लगातार इंक्रीज हुआ है। और लॉन्ग टर्म देखते हैं, कंपनी काफी बेहतरीन रूप से रिजर्व इंक्रीज हुआ है और कंपनी का जो डेट है वो भी लॉन्ग टर्म में इंक्रीज हुआ है। तो थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखना है, कंपनी का डेट भी साथ-साथ इंक्रीज हो रहा है। कैश फ्लो की बात करें, कंपनी लगातार कैश फ्लो अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जनरेट किया है और ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो कैश फ्लो जनरेट हुआ वो लगातार इंक्रीज भी हुआ है। और बात करें इन्वेस्टर का, तो कंपनी में जो प्रमोटर का स्टेक है थोड़ा सा इधर डिक्लाइन हुआ है। 2018 की शुरुआत में देखते हैं 64% था, जबकि यहां से डिक्रीज होकर 57% है, लेकिन प्रमोटर स्टेक अभी भी 50% से अधिक है, जो कि काफी बेहतरीन साइन है। अधिक जानकारी के लिए आप कंपनी के वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा कि जेके सीमेंट जो है काफी बेहतरीन एक कंपनी है, पैन इंडिया प्रेजेंस रखती है। साथ साथ पैन इंडिया प्रेजेंस के साथ साथ 43 कंट्रीज में अपना व्हाइट सीमेंट मैन्युफैक्चर करती है और वर्ल्ड की लार्जेस्ट व्हाइट सीमेंट मैन्युफैक्चर कंपनी है। तो जो ऐसे बेहतरीन कंपनियों के साथ आपको निश्चित रूप से जाना चाहिए, क्योंकि जो कंपनी पूरे वर्ल्ड वाइड व्हाइट सीमेंट को लीड करती है, तो निश्चित रूप से लॉन्ग टर्म में हमें अच्छा खासा रिटर्न देगा ये स्टॉक। वहीं टेक्निकल चार्ट की बात करें, टेक्निकल चार्ट पे भी स्टॉक काफी सॉलिड है, लेकिन थोड़ा सा वोलेटाइल रहा है। देखिए यहाँ पर अगर 2009 की गिरावट की बात करें, स्टॉक का प्राइस था 50 रुपीज, वहां से बढ़कर के हो गया स्टॉक का प्राइस
220 रुपीज, वहां से फिर से गिरावट होता है तो 111 मतलब 50% का गिरावट। तो इस तरह से देखते हैं स्टॉक काफी वोलेटाइल रहा है। वोलेटाइल चार्ट होने के का साथ साथ लॉन्ग टर्म में शेयर प्राइस का जो चार्ट है देखते हैं लगातार ऊपर गया है, तो ऐसे स्टॉक में आपको जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए जो टेक्निकल चार्ट पे भी स्ट्रॉन्ग हो, फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग हो और कंपनी वर्ल्ड वाइड बिजनेस को लीड करती हो। ये था पहला स्टॉक। अब दूसरे स्टॉक पे चलते हैं। दूसरा स्टॉक है कजारिया सेरामिक्स। ये भी अपने सेक्टर की लीडर स्टॉक है और इंडिया की नंबर वन सेरामिक्स मैन्युफैक्चर कंपनी है और मार्केट कैप की बात करें 18,000 करोड़ का है और कंपनी का अगर बात करें डिविडेंड का 0.85% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22, रिटर्न ऑन इक्विटी 17.4, ये भी 15% से अधिक है। तो दोनों पैरामीटर्स पर कंपनी काफी बेहतरीन है। प्रमोटर्स होल्डिंग 47.5%, अच्छा खासा प्रमोटर होल्डिंग भी है। प्लेस शेयर 0 है। डेट इक्विटी 0.07, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है और टोटल डेट की बात करें मात्र 126 करोड़ है, जबकि कंपनी के पास रिजर्व 1853 करोड़ का रिजर्व है और नेट प्रॉफिट 378 करोड़ का कंपनी का नेट एनुअल प्रॉफिट है। तो देख सकते हैं हर पैरामीटर्स पे कंपनी काफी बेहतरीन दिख रही है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 2011 में मात्र 61 करोड़ का प्रॉफिट था जो कि लगातार इंक्रीज हुआ और यहां पर देखते हैं ट्रेलिंग 12 मंथ में 378 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो चुका है और वहीं 2011 में मात्र 953 करोड़ का सेल्स था जो कि लगातार बढ़ा है और ट्रेलिंग 12 मंथ में 3000 करोड़ का सेल्स हो चुका है। तो हर पैरामीटर्स पे कंपनी काफी बेहतरीन ग्रोथ दिखा रही है। बैलेंस शीट में कंपनी के पास शेयर कैपिटल मात्र 16 करोड़ का है, रिजर्व कंपनी का लगातार इंक्रीज हुआ है और कंपनी लॉन्ग टर्म में अपने डेट को काफी ज्यादा डिक्रीज किया है, तो डेट लगातार कंपनी डिक्रीज कर रहा है जो कि हमारे लिए पॉजिटिव साइन है, मतलब जो भी इन्वेस्टर है। बात करें ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो का, कंपनी कैश फ्लो लगातार जनरेट किया है। यहाँ पर देखते हैं 2011 से देखें तो लगातार जनरेट किया है, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म में कंपनी अपना कैश फ्लो इंक्रीज भी किया है, तो काफी बेहतरीन की कंपनी है। बात करें इन्वेस्टर का तो कंपनी जो प्रमोटर का स्टेक है वो लगभग कॉन्स्टेंट है, 47% के आसपास यहाँ पर प्रमोटर्स का स्टेक है जो कि कांस्टेंट रहा है। वहीं एफआईआई का स्टेक 25%, डीएच का स्टेक 14.89 और पब्लिक का स्टेक जो 12.48। तो हर पैरामीटर्स पे कंपनी काफी बेहतरीन दिख रही है। अगर बात करें टेक्निकल चार्ट का तो टेक्निकल चार्ट पे स्टॉक काफी मतलब वोलेटाइल रहा है। वोलेटाइल होने के साथ साथ चार्ट जो है 2016 से लेकर के 2020 के बीच ये स्टॉक का जो चार्ट था वीक भी था, लेकिन उसके पहले और उसके बाद स्टॉक जो है टेक्निकल चार्ट पे काफी सॉलिड रहा है। चार्ट सॉलिड तब मानते हैं जब ये हमने जो वीकली चार्ट लगाया है, वीकली चार्ट पर स्टॉक कभी भी अपना प्रीवियस लो ब्रेक नहीं किया है। डेली चार्ट पे आपको स्टॉक काफी वोलेटाइल दिखेंगे क्योंकि वीकली चार्ट पे ही स्टॉक काफी वोलेटाइल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 2003 में था शेयर प्राइस मात्र 2 रुपीज का हुआ करता था, 2 रुपीज से ये 2007 के बुल रन में 31 रुपीज तक गया, फिर वहां से गिरावट होती है और स्टॉक मात्र 11 रुपीज पे मिल रहा था और 11 रुपीज स्टॉक वन साइडेड मूवमेंटम दिखाया और 11 रुपीज से ये स्टॉक जा चुका था 700 से भी ऊपर और 700 से फिर स्टॉक में गिरावट होता है और 300 रुपीज तक आता है और 300 रुपीज अभी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई 1200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस तरह से काफी बेहतरीन मल्टी बैगर रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है लॉन्ग टर्म में, तो ऐसे ही मल्टी बैगर रिटर्न देने की क्षमता इस स्टॉक में अभी भी है, लेकिन कभी भी अपने ऑल टाइम हाई पे आप इन्वेस्ट ना करें। कभी भी मार्केट में गिरावट होता है निश्चित रूप से यह स्टॉक आपको काफी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलने वाला है। जब मार्केट में गिरावट होगा तो उसी डिस्काउंटेड प्राइस का फायदा लेना है और आपको इन्वेस्ट करना है, तो अभी से आप इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और मार्केट में कभी भी करेक्शन आता है या स्टॉक में कोई टेम्पररी बेसिस करेक्शन आता है तो वहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह के एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।